अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है एक्स पावर एक्स की फोर इज इक्वल टू 64। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और दोनों साइड से पावर फोर लगाते हैं। एक्स पावर एक्स की फोर होल पावर फोर इज इक्वल टू 64 पावर फोर। ठीक है, तो लास्ट आप एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है कि एक्स पावर एम एंड होल पावर एन, यानी एक बेस के ऊपर जब दो पावर हों तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो एक्स पावर एक्स की फोर डॉट फोर इज इक्वल टू 64 की जगह हम लिख सकते हैं 8 पावर 2 एंड होल पावर 4। ये हो गया। अब इसके बाद है एक्स पावर ये 4 पहले हम लगाते हैं एंड होल पावर एक्स की 4 इज इक्वल टू 8 बेस हैं और ये दोनों पावर जो हैं आपस में मल्टीपल हो जाएंगे उसी तरीके से, तो ये 8 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि बेसिस जो हैं एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 8 एंड पावर भी आपस में इक्वल हैं और वो आपस में, तो हम लिख सकते हैं एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, सो इसके बाद हैं एक्स पावर 4 होल पावर हम लिख लेते हैं 1/4 इज इक्वल टू 8 पावर 1/4। तो 4 एंड 4 ये आपस में कैंसिल एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 टू द पावर 4 रूट। थैंक यू।